हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई हो कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यूके पीएससी ड्राफ्ट रमैन, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश यानी कि HSSB ड्राफ्ट रमैन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे किसके, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के, ठीक है। तो आज हमने लाए हुए हैं, आज ये वीडियो कौन सी है, थ्री है, पार्ट थ्री है। बेसिकली पार्ट वन और पार्ट टू हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, और ये PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पेड वालों को, ठीक है, पेड वाले कौन, जिसने 35 PDF एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की PDF ले रखी, उनको मिल जाएगी PDF, ठीक है, तो आप लोग मांग लेना हमसे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ द एरिया ऑफ प्लॉट इज लेस देन 200 मीटर स्क्वायर, देन द मैक्सिमम परमिशन कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली आर, यानी कि क्या बोल रहा है, हिंदी में भी देख लीजिए। यदि किसी भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से कम हो तो, ठीक है, और अधिकतम अनुमेय आच्छादित क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, यानी कि 200 मीटर स्क्वायर से क्या है, कम है, ठीक है, क्या है आपका प्लॉट का एरिया अगर इससे कम है तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी पूरी टेबल लिखा देते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये आपसे सर्वेयर में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले लिख दीजिए प्लॉट का एरिया, ठीक है, प्लॉट एरिया लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास मैक्सिमम परमिसेबल कवर्ड एरिया, ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, अगर आपके पास 50 मीटर स्क्वायर से कम का एरिया है, ठीक है, तो कितना कवर करेगा वो मैक्सिमम परमिसेबल स्क्वायर, 75, कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज में होंगे, ठीक है, 75% प्लॉट क्या, 75% ऑफ द प्लॉट एरिया, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ पीछे से, क्योंकि आप लोग समझ जाना। अगर 51 से 100 के बीच में मीटर स्क्वायर में है तो बात करें 75% ही वो ऑफ द प्लॉट ऑफ एरिया लेगा, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें, 101 से 300 मीटर स्क्वायर के एरिया में वो कवर है, ठीक है, एरिया में प्लॉट में कवर है, तो ये 65% लेगा, अप्रॉक्स 65% ऑफ द प्लॉट ऑफ एरिया, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम 300 से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में कवर्ड है तो ये कितना परसेंटेज, 55% ऑफ द यानी कि द प्लॉट ऑफ एरिया लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कितना 200 मीटर स्क्वायर, कितना 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 200 कहाँ पे आ रहा, 100 और इसके बीच में आ रहा, तो 65 लगभग लगभग इसका ऑफ द प्लॉट ऑफ एरिया, तो 60 50 नहीं हो सकता, 66.67 अप्रॉक्स इसका है, 65 यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम शुड बी, अब मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम, ठीक है, इसका भी हमें आपको लिखा देते हैं, ठीक है, तो इसका भी लिख लीजिए, ये आपके पास एरिया हो गया, ओके, तो ये आपके पास, ठीक है, तो इसको सबसे पहला नंबर हम लिख लेते हैं बाथरूम का ही लिख लेते हैं। तो बाथरूम का मिनिमम एरिया क्या होता है, 1.5 मीटर × 1.2 मीटर या फिर 1.8 मीटर स्क्वायर होता है। सेकंड की बात करें हम बाथरूम वाटर क्लोजेट का क्या होता है, तो उसके साथ 2.8 मीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं इसमें किचन का कितना होता है, आपके पास किचन का 5.5 मीटर स्क्वायर होता है, तो बाथरूम का पूछा 1.5 1.2 है कि नहीं, 1.8 1.8 है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सिस ऑफ इंटरनल थ्रो फ्लोर बिटवीन रूम्स ऑफ द सेम फ्लोर और बिटवीन फ्लोर इस, यानी कि एक ही तल के कमरों के बीच या तलों के बीच आंतरिक सामान्य मार्ग पर पहुंचने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोस्पेक्ट, सर्कुलेशन, ए और बी बोथ या नोन ऑफ दी, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। जैसे आपके पास स्टीयर क्या हो जाएगी, जैसे स्टीयर हो जाती है ना, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में पहुंचने के लिए क्या लगाते हैं आप, स्टीयर, वर्टिकल सर्कुलेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये वर्टिकल सर्कुलेशन है। क्या बोलता है, द एरिया फॉर्मिंग एन इंटरगल पार्ट ऑफ द प्लॉट लेफ्ट टू ओपन द स्काई इज नोन एज, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपके पास जो आपने मान लीजिए घर बनाया, तो ये एरिया जो है ऊपर का जो एरिया है वो खुला हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्लॉट, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ओपन स्पेस बोला जाता है, क्या होता है, अगर खुला है तो एरिया ओपन स्पेस बोला जाता है। बेसमेंट क्या होता है, बेसमेंट जो हमारे पास नीचे दिया जाता है बिल्डिंग के सबसे नीचे, जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे यानी ग्राउंड लेवल के नीचे दिया जाता है, ठीक है,
तो ये आपके पास ओपन स्पेस 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसमान की ओर खुले हुए प्लॉट के अभिन्न भाग को के क्षेत्रफल को कहते हैं ओपन स्पेस, कहते हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजेबल पार्ट ऑफ लीवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज नोन एज कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, रूफ एरिया। तो आपके पास क्या बोला है, जो भी आपके पास यूज़ कर रहे हैं, कौन से जिसमें आप रह रहे हैं वो कौन सा होता है, बिल्डिंग के निवासी क्षेत्र के उपयोगी हिस्से को जाना जाता है कौन सा, कारपेट एरिया जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी बेड लगा रहे हैं, ठीक है, उसी को हमने क्या किया कारपेट एरिया, जहाँ तक आप अपने कमरे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया कारपेट एरिया, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है। 10 मीटर स्क्वायर 1:2:4 कॉन्क्रीट कंटेनर सेंड का वॉल्यूम निकालना है, पहली बात हमने निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो जो दिया है गिवन वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हमें, वॉल्यूम कितना दिया है, अनुपात यानी कि रेशियो 1:2:4, यानी कि ये हो गया आपका सीमेंट, ये हो गया आपका सैंड, ये हो गया आपका एग्रीगेट, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है, किसका, सैंड का निकालना है पहली बात। फिर हमें क्या दिया है, जो कंक्रीट कंटेन हमें कितना दिया है 10 मीटर स्क्वायर, यानी कंक्रीट की मात्रा कितनी दी है, कितनी दी है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें हम इसमें, अब स्टेप यहाँ से शुरू होगा, स्टेप 1, ऐसे आप सीमेंट का भी निकाल सकते हैं, सैंड का भी, एग्रीगेट, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है आपके पास, तो क्या होता है, वेट वेट कंक्रीट के लिए, वेट कंक्रीट की जो मात्रा होती है कितनी, 1.54 ली जाती है। अब 1.54 ले ली, ठीक है, तो हम इसको क्या, अब रेशियो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये भी ऐड कर लीजिए, 4, 2, 6, 1, 7, ये हो गया, ठीक है, हम इसको 7 में ही करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, मैंने अभी बताया था आपको सेंड का निकालना है, हमने पहले स्टेप 1 कर लिया, इनको भी जोड़ लिया, 7 हो गए, ठीक है। स्टेप 2 में हमने किसका निकालना है, सेंड का निकालना है, सेंड का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसमें सब वैल्यू ले लेंगे, 10 ले लेंगे, इंटू 1.54 इंटू कितना, सेंड का निकालना है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, अपॉन टोटल, जैसे आप लोग करते हैं किसमें, जैसे परसेंटेज में करते हैं, टोटल कितना होता है, टोटल से डिवाइड करते हैं 7, तो ये अप्रॉक्स 4.4 निकल के मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। फ्लोर इंडेक्स इज मेजर टू चेक द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसको फ्लोर इंडेक्स को मेजर करने के लिए, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए कौन सी हम स्पेस को लिया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, सम रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म बाई गवर्नमेंट टू रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग आर नोन एज, यानी कि इमारत के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों एवं विनियमों को क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है बिल्डिंग बाई लॉ, ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम एरिया ऑफ लिविंग रूम शैल बी, मिनिमम एरिया ऑफ लिविंग रूम कितना आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, तो ये कितना होना चाहिए, 9.4 मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होता है, एक आध चीज और बता देता हूँ, 9.5 किसका होता है, ये क्या होता है आपके पास बेडरूम का बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 9.4 9.5 के बीच में होते हैं, बस इसके ड्राइंग रूम का अलग होता है, 11 होता है, ठीक है, तो याद रखना है, लिख लेना। इन ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग DPC में भी प्रोवाइड, अब कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कहाँ पे, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये अब बात कर लेते हैं, मैं DPC के लिए क्या सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, DPC के लिए सीमेंट कंक्रीट भी यूज़ की जाती है और आपका बिटुमिन की लेयर भी यूज़ की जाती है। सीमेंट कंक्रीट में वाइब्रेशन, आप वाइब्रेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं सीमेंट कंक्रीट के ऊपर बिटुमिन की लेयर लगा दीजिए, जिससे जो भी वायर से बचे होंगे, ठीक है, वो सीपेज ऊपर को ना आ पाए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, DPC सीमेंट कंक्रीट के लिए हम M15 का यूज़ किया जाता है, या फिर कभी कभी हम M20 का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कितनी होती है सामान्यतः तो DPC की मोटाई, देखते तो 25 से 25 mm या फिर 40 mm भी रखी जाती। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अच्छा आ गया, FAR का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, FAR फ्लोर एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट का एरिया, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है, ओके।
तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग मीन्स डेट इट इज थिंकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन अ बिल्डिंग, पोस्ट, प्री, नो या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्री, पहले। यानी कि क्या बोला है, एक बिल्डिंग की योजना का आशय है बिल्डिंग की विभिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब पर पहले सोचना हमें चाहिए, ठीक है, कि प्रतिबिंब लगेगा मतलब इसमें क्या लगेगी कि रोक लगेगी नहीं, वेट ऑफ माइल्ड स्टील और टॉर स्टील पर क्यूबिक मीटर। अब मैंने आपको ये पहले भी करा रखा, फर्स्ट क्वेश्चन ही करा रखा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, ठीक है। कितना होता है आपके पास, 78.5 कुंटल में, ठीक है, कुंटल में इतना होता है, 78.5 कुंटल। फॉर रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, नंबर ऑफ ब्रिक कितनी होती है, एक उसमें कितनी होती है, 500 होती है। तो आप लोग इसको कर लीजिए 500। अच्छा, ये क्या बोला, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क के रख लिए, ठीक है। ये अब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए कितनी होनी चाहिए, 450 ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी, 450 ब्रिक वर्क की जो नीचे हमें नीट होनी चाहिए। तो आप लोग 450 इंटू 10 कितना हो गया, 4500 हो गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर क्यूब इन न्यूमेरिकल आ गया। चलिए, मैंने न्यूमेरिकल ये आपको करा दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक बार और, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमें गिवन जो जो दिया है, पहले रेशियो लिख दिया कि इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमें गिवन जो जो दिया, ठीक है, 15 मीटर क्यूब दिया। अब हमें क्या करना है, वेट का निकालना है, वेट का 1.54 बताया था, ठीक है। फिर हमने किसका निकालना है, सेंड का, याद रखना सेंड का, ठीक है, इसका हमने निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास कि आप 15 इंटू 1.54 इंटू किसका निकालना है, 2 का, ठीक है, सेंड का। तो अगर हमें सीमेंट का निकालना होता 1 आता, एग्रीगेट का निकालना 4, अपॉन टोटल का 7, तो कितना, 6.6 अप्रॉक्स हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग ऑफ 50 kg सीमेंट कंटेन वॉल्यूम कितना होता है आपके पास, 0.034 m³ होता है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, अगर याद नहीं होता तो निकालना चाहते हैं तो, ठीक है, 50 kg का होता है और उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1440 होती है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 0.034। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रिक ऑफ साइज 20 10 10 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट 400 और मैसनरी वॉल, किसके लिए, मैसनरी वॉल के लिए, याद रखना, ठीक है, अभी हम इसमें काम आएगा मैसनरी वॉल के लिए। इसको हम उठा के साइड कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया है, 400। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें जो गिवन दिया होता है वो दे दिया, कितना दिया है, मीटर क्यूब, 20 × 10 × 10, इसको ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको हम बदल देंगे मीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में हम चेंज करेंगे, तो कितना, 0.20 × 0.10 × 0.10 m³ में हो गया अभी। तो हम 400 जैसे ही हम मैसनरी वॉल करेंगे, 400 अपॉन कितना, 0. ये हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो आप 0.002, ये हो गया 0.002, ये हो गया। तो आपके पास लगभग लगभग ये आपके पास 2 लाख आ जाएगा, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सैनिटरी इज डेडेस परसेंट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अभी आसान क्वेश्चन है, कितना होना चाहिए, 8 से 10% होना चाहिए ए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको अलग अलग चीज़ें भी बता देता हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या होगा, 8% लिया जाता है, ठीक है। वही डिपार्टमेंट चार्ज के लिए कितना, 10 से 15% आपके पास लिया जाता है। वहीं बात करें कॉन्ट्रैक्ट का, ये भी 10 से 15% लिया जाता है, बट इसमें अगर बड़ा वर्क है, ठीक है, बड़ा वर्क है तो 10%, अगर हमारे पास छोटा वर्क है तो 15%, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के इसमें भी। और वाटर चार्ज के, उसमें पानी का जो चार्ज पड़ता है वो 1.5% हमारे पास, पूरे ही कंस्ट्रक्शन का 1.5% लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया था, हाँ जी हो गया था। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क इज RCC इज, RCC का मैंने अलग अलग आपको सब बता रखे हैं, पहली वीडियो देख लेना, पहली और दूसरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, RCC के लिए मीटर क्यूब हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ हैबिटेबल रूम शुड नॉट बी लेस देन, कितना नहीं होना चाहिए, 9.5, मैंने कहा ना आपके पास 9.5 आपको अप्रॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रीथ ऑफ किचन शुड नॉट बी लेस देन, अभी बताया था हमारे पास कितना होना चाहिए, जो चौड़ाई होनी चाहिए किचन की वो होनी चाहिए आपके पास 1.8, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लगभग लगभग ये होती है आपके पास 1.8 भी नहीं होती, 1.75 होती है,
तो ये 1.8 मान लिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन एक और आ गया है, आसान क्वेश्चन है ठीक है। तो ये सबसे पहले इफ़ इन ए ब्रिक वर्क, अब क्या करें ब्रिक वर्क के लिए ठीक है, विद सीमेंट एंड सैंड मोटार 1:5 सैंड रिक्वायरमेंट पर, इसकी सैंड की रिक्वायरमेंट है बताना है इसमें भी, रिक्वायरमेंट पर क्यूबिक मीटर। अब इसको उठा के बगल में रख लो पहले तो ठीक है। सबसे पहले जो जो गिवन दिया है वो लिख लीजिए, जो जो हमें गिवन दिया है पहले, सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं हम 1:5, कितना 1:5 दिया है, इसको ऐड भी कर लेते हैं साथ के साथ 6 ठीक है। पहली बात ये सीमेंट होगा, ये सैंड होगा ठीक है। अब हमें सैंड का पहले हमें रिक्वायरमेंट निकालना है। तो अब ब्रिक वर्क के लिए जो मात्रा होती है, ब्रिक वर्क के लिए जो मसाले की मात्रा होती है जो मैसनरी की होती है वो कितनी होती है, वो कितनी ली जाती है 0.3 m³ ली जाती है ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब सैंड की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो सैंड की हमने अभी बताया था क्या करना है आपने, 0.3 × इसकी सैंड के लिए 5 टोटल नीचे चले जाएगा ठीक है, ये टोटल जो जोड़ा था ये नीचे चले गया, तो निकल के आपके पास आ जाएगा 0.25 निकल के आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइज ऑफ कंबाइंड बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट शुड नॉट बी लेस दैन ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो कितना होना चाहिए 2.8 m² से कम नहीं होनी चाहिए। लीड एंड लिफ्ट इस टर्म ऑफ किसका, अर्थवर्क का लीड एंड लिफ्ट, उठाना और वहाँ तक पहुँचाना जो भी आप खुदाई करें। फिर न्यूमेरिकल आ गया है, चलिए पहले पढ़ लीजिए, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एक्सलेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ रूम, रूम 4.2 × 3.6 m, वॉल थिकनेस कितनी 30 cm, ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन 90 cm ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्सलेशन कितना 1 m। तो इजी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारे पास कहाँ पूछा गया था, UKSSC ड्राफ्टमैन में ही पूछा गया था ठीक है, इंपॉर्टेंट है आ सकता है ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आ सकता है, ये हिमाचल प्रदेश के उसमें भी पूछा गया था ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से देखना, तो हमें पहले एक पहले तो हम एक रूम बना लेते हैं इसका, ये रूम बन गया है ठीक है। तो ये कितने कितने बाई कितने का, ये 4.2 का, यहाँ पे इनर इनर डायमीटर कितना है 4.2, और ये कितने का है, ये आपके पास 3.6 का है, और ये जो बाहर की वॉल है ये यानी कि 0.3 बोल दीजिए ठीक है, 30 cm दी है तो ये भी मीटर में है, तो मीटर में बदल के हमने उसको 0.3 बोल दिया, भी इधर भी 0.3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एड ओके 3.6 में 0.3 जोड़ दीजिए ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो टोटल का लेंगे 4.2 प्लस 0.3 ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे स्टेप वन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब आपके पास लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ बराबर क्या होता है ठीक है, तो 4.2 प्लस 0.3 जो ये वाला ऊपर वाला है ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस 3.6 ये वाला प्लस 0.3, अब दो साइड है ना, एक साइड इधर है एक साइड इधर है ठीक है, तो इंटू टू ठीक है, इंटू टू या यहाँ पे कर लीजिए इंटू टू ठीक है, कहीं पर भी ऐड कर लीजिए, आपको वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या कर दिया 0.3 तो इंटू टू करा, तो ये इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो 16.8 m रह जाएगा। स्टेप टू, स्टेप टू दो स्टेप होते हैं इसमें, तो एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू बी इंटू एच, तो 16.8 × 0.9 लेंथ अभी निकाली थी 0.9 दे रखी, और हमें हाइट कितनी 1 दे रखी, 0.9 फाउंडेशन की क्या दिया है ब्रिज चौड़ाई, ये फाउंडेशन की निकाल लें ठीक है, जो भी हम मृदा की खुदाई कर रहे हैं एक्सकवेशन कर रहे हैं उसका हमने निकाल दिया, और 1 हमें डेप्थ दे रखी, तो ये हमें 15.12 निकल के आ जाता है, तो 15.12 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट इज टेकन एज रेट, अब आप 10 भी दे रखा 15 भी दे रखा ठीक है, तो आप अप्रॉक्स इसका आंसर क्या लगाएंगे, 10% लगाएंगे, 20 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ठीक है, कितना 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ यूजेबल फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग स्टेयर केस, तो क्या बोला, सीढ़ियों के अलावा उपयोग योग्य तल क्षेत्रफल का नाम क्या है, यानी कि क्या यूजेबल फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग सर्कुलेशन एरिया, कार्पेट एरिया, प्लिंथ एरिया, कवर्ड एरिया, तो जो आपके पास कार्पेट एरिया अभी बताया था मैंने, फ्लोर एरिया में जो यूजेबल होता है वो कार्पेट एरिया होता है। विच क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग हैव हाइस्ट फ्लोर एरिया रेशियो परमिसेबल, तो उसमें कौन सी होती है, वो आपके पास एजुकेशन बिल्डिंग में होती है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। व्हाट इज द बेसिक डिटेल नीडेड फॉर डिज़ाइन इंजीनियर वाइल डिज़ाइनिंग असेंबली बिल्डिंग, तो एरिया ऑफ प्लॉट यानी कि क्या बोला, असेंबली बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाते समय डिज़ाइन इंजीनियर को आवश्यक मूल जानकारी होनी चाहिए, किसकी जानकारी, एरिया ऑफ प्लॉट, नंबर ऑफ फिक्स्ड सीट, लोकेशन ऑफ प्लॉट, टोटल फ्लोर एरिया,
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, उसकी जानकारी चाहिए, नंबर ऑफ फिक्स्ड सीट की जानकारी, संख्या की जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल का आपके पास क्या क्या कलर होते हैं, ठीक है, तो वो किसका, इंडिगो होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक यूज को मेजरिंग, जैसे एनीमीटर इलेक्ट्रिक करंट है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेशन, वॉट मीटर इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर, ओम मीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये मेजर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाइल फ्लोर इज कन्वेंट टू कैरी आउट प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विदाउट अफेक्टिंग द अपेरेंस, यानी दिखावट को प्रभावित किए बिना प्लम्बिंग और विद्युत संस्थान करने के लिए कौन सा तल अनुकूल है, आरसीसी फ्लोर नहीं, रीफ्लोर होता है, रीफ्लोर, ठीक है, टिम्बर फ्लोर नहीं जाएगा, तो बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया इज प्रोवाइड फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, अब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन और वर्टिकल सर्कुलेशन अलग अलग होते हैं, कितना परसेंट होता है, 10 से 15% होता है, अभी भी क्वेश्चन आया था। ये हमारे पास HP SSSC जूनियर ड्राफ्टमैन में पूछा गया था, किसमें, 2021 में ही पूछा गया था, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट फॉर ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार फॉर सुपर स्ट्रक्चर इन MKS सिस्टम, मीटर, ये सब मैंने आपको लिखा रखे ब्रिक वर्क के लिए कह रहे हैं, ठीक है, किसके हो जाएगा ये, मीटर, ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर, क्यूबिक मीटर, या फिर नन ऑफ दिस, ब्रिक वर्क के लिए क्या होता है, मीटर क्यूब, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने अलग आर्च के लिए मीटर क्यूब, रे इन्फोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए मीटर क्यूब, ब्रिक वर्क के फायर प्लेस मीटर क्यूब, ब्रिक वर्क की पार्टीशन वॉल हाफ ब्रिक वॉल के लिए मीटर स्क्वायर, ब्रिक वर्क के कॉर्नी स्कूपिंग के लिए रनिंग मीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम लिफ्ट फॉर अर्थ वर्क एक्सकेवेशन, अब एक्सकेवेशन में लिफ्ट एंड लीड होती है, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आया था, तो ये कितनी होनी चाहिए आपके पास, 1.5 या फिर 2 या 3, तो ये होनी चाहिए 1.5, ठीक है, 1.5 लिफ्ट होनी चाहिए, तो पता ही होगा। विच एस्टिमेट इज प्रिफेयर वाइल द ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट इज एग्जीड बाई मोर देन, यानी कि जब मूल स्वीकृत आकलन को 5% से ज़्यादा बढ़ाए जाने पर कौन सा आकलन तैयार किया जाता है, वो आपके पास रिवाइज्ड एस्टिमेट, 5% आ गया तो रिवाइज एस्टिमेट, 3 से 5%। व्हाट इज द प्लास्टरिंग एरिया ऑफ फॉर पिलर, क्या होना चाहिए आपके पास, वो आपके पास पैरामीटर इंटू हाइट होती है, देखिए स्तंभ का प्लास्टरिंग क्षेत्रफल कहता है पैरामीटर इंटू हाइट, परिमाण इंटू ऊंचाई। फिर बोला है व्हाट इज द आउट टर्म ऑफ मेसन कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर विद ब्रिक मैसनरी, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, वो 1 मीटर क्यूब होनी चाहिए, पहली बार ब्रिक मैसनरी कह रहा तो मीटर क्यूब होगी, तो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1:2:4 सीमेंट कॉन्क्रीट, अब कोर्स एग्रीगेट का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, यह आप लोग खुद करिए, ठीक है, तो वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बता रखा, डिटो वैसे ही क्वेश्चन होगा, वैसे ही निकलेगा, पहले हमने क्या 1:2:4 ये हमने सैंड का पहले निकाला था, इस बार आप लोग एग्रीगेट का निकालना है, सीमेंट का होता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन फॉर द फ्लेयर प्राइस ऑफ अ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन एस्टिमेशन फिक्सेशन टैक्सेशन, तो क्या हो जाता है, वैल्यूएशन डायरेक्ट आपके पास वो प्रक्रिया होती है, यानी कि संपत्ति का उचित मूल्य जानने की प्रक्रिया क्या होती है, वैल्यूएशन कहलाती है। व्हाट इज द एनुअल पीरियोडिक पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट बाई अ पार्टी, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट, एनुअलिटी, डिप्रेशन या आउटगोइंग्स, जिस किसी पार्टी द्वारा निवेशित पूंजी राशि के परियोजना का वार्षिक आवर्ती भुगतान क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास वार्षिकी कहलाते हैं, यानी कि एनुअलिटी कहलाता है। फिर आपका विच सीमेंट कॉन्क्रीट प्रोपोर्शनल इज यूज फॉर डैम प्रूफिंग फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कितना होता है M15 लिया था DPC के लिए, तो या फिर आपके पास M20 लिया जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए M20, तो 1.5-3 फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, ठीक है, 25 से 40 mm इसकी मोटाई भी रखी जाती है, यानी DPC 25 से 40 mm। फिर व्हाट इज द प्रिंटेड लिस्ट ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम वर्क मेंटेन बाय द इंजीनियर, इंजीनियर विभाग द्वारा अनुरक्षित कार्य की विभिन्न मदों की मुद्रिका दर कहलाती है, शेड्यूल ऑफ रेट, एनालिसिस ऑफ रेट, आइटम रेट या मार्केट रेट, क्या कहलाती है वो, शेड्यूल ऑफ रेट डायरेक्ट, ये डेफिनेशन भी एक तरह से। विच प्लास्टर मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द रूम साउंड प्रूफ, यानी कि जो जो कक्ष को ध्वनि से बनाने के लिए कौन सा प्लास्टर पर्याप्त उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो किया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, एगोस्टिक किया जाता है, कौन सा, एगोस्टिक वाटर, ठीक है, उसके लिए बनाने के लिए। वाइल बिल्डिंग अ हॉस्टल द मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ स्टूडेंट इन सिंगल सीटेड रूम शुड बी, एक हॉस्टल का निर्माण करते समय, ठीक है, एक हॉस्टल का निर्माण करें सिंगल सीटेड रूम में एक छात्र के लिए न्यूनतम सतह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए एक छात्र के लिए, ये कॉमन सेंस के, मैंने बताया था आपको 9.5 ज़्यादातर ही आपको देखने को मिलता है।
फिर क्या, हाउ मेनी ब्रिक ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर 20 10 सेंटीमीटर रिक्वायर 2 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन आया था वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पे 4 दिया था। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 2 मीटर क्यूब दिया, वहाँ पे 4 मीटर क्यूब दिया था आपको। तो ये भी हम बता ही देते हैं, फिर कहेंगे आप लोग होमवर्क ही दे रहे करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जो गिवन दिया है वो लिख लीजिए। सबसे पहले 2 2 मीटर क्यूब दिया है, वहाँ 4 दिया था, तो ये कितना 10 इंटू, चाहे आप 10 लिखिए, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करते कितना हो जाएगा मीटर क्यूब में बताना है, तो ये होगा आपके पास 0.002 करके हो जाएगा। ठीक है, तो 2/0.002, ठीक है, कितना हो गया, लगभग लगभग 1000 ईंटें हो गई, 2000 डीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल फॉर 10 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट इज, अभी बताता कितना होता है, 1.54। ठीक है, लगभग लगभग उसको इंटू 10 कर लिया, कितना देर का 10 दिया है वेट कॉन्क्रीट के लिए, तो 1 15.4 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार ड्राई मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी इज, तो है आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल है, किसके लिए पूछा, ब्रिक मैसनरी के लिए, अभी वैसे बताया था जैसे निकलेगा। ठीक है, कितना लेना, 0.3, 1 × 0.3 करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर क्यूब। तो अभी बताया था मैंने ब्रिक मैसनरी वर्क के लिए कितना लेते हैं, 0.3 लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर क्यूब ऑफ 1:3 कॉन्क्रीट कंटेन ऑफ एग्रीगेट वॉल्यूम, अब एग्रीगेट का निकालना है इसका ही। ठीक है, बता ही देते हैं, फिर आप लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं ये नहीं बता रहे, तो वैसे तो होमवर्क दे देना चाहिए वैसे। ठीक है, इसमें कुछ है भी नहीं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, 1 रेशो इतना लिखना, इसको जोड़ देना, 9 3 1 10। ठीक है, तो आपके पास क्या 20 दे रखा मीटर क्यूब, ओके, तो जो भी जो जो दिया आपको वो लिख लीजिए, 20 × 10 × किसका निकालना है, एग्रीगेट का निकालना है, यानी कि सॉरी 1.54 भी आएगा, सॉरी टोटल, तो आपके पास टोटल तो नीचे जाएगा ना, ये जो भी ऐड करोगे आप टोटल तो नीचे जाएगा नहीं, अभी तक बताया था जो क्या क्या हो जाएगा, 20 × 1.54 किसके लिए, सैंड एग्रीगेट के लिए, तो ये आप जैसे ही निकालेंगे तो 18.48 करके आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो रोजाना ऐसे ही हमारे पास वीडियो देखते रहिए, ड्राफ्टमैन की बेस्ट प्रिपरेशन होती है इस चैनल में, आपको पता ही है, जैसे कि PPSC ड्राफ्टमैन में, पंजाब आप जूनियर ड्राफ्टमैन में पूछे गए थे, 70% तक आपके पेपर में पूछे जाएंगे, MP में पूछे गए थे, आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। बस आपने क्या करना है, जो भी हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं, ठीक है, HP SSSC से देख रहे हैं, या UKPSC उत्तराखंड से देख रहे हैं, ठीक है, वो हमने वो आप लोग 35 PDF ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप सैंपल देख सकते हैं, कहाँ से लेंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग ले सकते हैं, 35 PDF कीजिए, प्लस यूट्यूब में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको करिए, बाकी आपको बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, बाकी आप लोग खुरमी की थ्योरी लगा, मतलब ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, तो इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।